Hmm. So, hello and namaste guys. आज जो है चौथा करने जा रहे हैं हम ओशनोग्राफी का. तो में हमने जो थी ओशन करंट का मतलब मैप पे वो देखेंगे कौन कौन सा ओशन करंट कहाँ जाता है और कौन सा वार्म करंट है कौन सा और कौन सा कोल्ड ओशन करंट है तो उससे पहले जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्टिनेंट है ये एक कॉन्टिनेंट है इसके बीच में जो है ये जो है जो बचा हुआ एरिया है बीच में वो वाटर बॉडी है मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट ये कॉन्टिनेंट बीच में जो है वाटर बॉडी है और एक सपोज एग्जाम्पल हम लें कि यहाँ से कहीं इक्वेटर गुजर रहा है ठीक है अब इक्वेटर गुजर रहा है यहाँ से तो क्या होगा कि एक जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इस साइड से चलेगी यहाँ पे ठीक है सेम Uh, हाँ इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अच्छा ये इक्वेटर की लाइन है ठीक है से रिप्रेजेंट कर दें सो so, सेम जो है जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगा सेम जो है इसी के नीचे जो है एक साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा ठीक है अब क्या हुआ कि अच्छा ये क्यों चल रहा है क्योंकि आ, हम अगर आपको याद हो

अब एक्स्ट्रा एक मिल गया, तो कॉन्टिनेंट तो आगे बढ़ने नहीं देगा जैसे हमने देखा था, जो होता है कि कॉन्टिनेंट की वजह से जो है वो तो शेप चेंज कर लेता है तो क्या करेगा यहाँ से ये मुड़ जाएगा ये ठीक है ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा अब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा ये नीचे भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा ठीक है लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी हम लोग हम इक्वेटर लो पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में यह देखा था कि से पोल की तरफ जा जाना है ये हुआ कॉन्सेप्ट अब यहाँ जो एक्स्ट्रा पानीलेट हो गया इस जगह पे आकर ठीक है वो क्या होगा एक बैकवर्ड पुश देगा जो से बोलेगे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट तो ये हर जगह जाएगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट ठीक है काउंटर इकोटोल करंट होगा ये बैकवर्ड करेगा जाकेटर का अब पोल्स के पास कैसे पहुंचने के बाद जो ये वाला एरिया हम पहुंचा तो यहाँ हम देखते हैं वेस्टर्नलीज का इन्फ्लुएंस आ जाता है ठीक है अब वेस्टर्नलीज का इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो है ये मुड़ जाता है इस डायरेक्शन में ठीक है इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा फिर यहाँ जो है यहाँ पे वेस्टर्लीज का डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ मुड़ गया और यहाँ पे जो है फिर ठंडे जो जो एरिया है है उसके उसमें इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस में में आया ठीक ठंडे एरियाज के आने की वजह से का पानी यहां पानी हमने देखा था ना ये वैक्यूम क्रिएट हुआ था इस जगह पे इक्वेटर के पास ठीक है तो वो क्या करेगा एक यहाँ पे बैकवर्ड पुश दे देगा इस पानी को ठीक है तो बेसिकली और सेम का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा वेस्टर्लीज की प्रेजेंस में यहाँ मुड़ के यहाँ मुड़ जाएगा ठीक है लेकिन अब देखें अगर इसमें एक चीज और देखें ध्यान से कि जो इक्वेटर के पास ये वाला है ठीक है ये है ये है ये है ये क्या है ये वार्म है लेकिन जब ऊपर पहुंचा ना ऊपर जो है ठंडे पानी के प्रेजेंस में या फिर ठंडे एनवायरमेंट के प्रेजेंस में ये कोल्ड होना शुरू हो जाता है ये जो एरिया है कोल्ड हो गया और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये कोल्ड और ये नीचे से जो ऊपर आ रहा है ये कोल्ड ओशन करंट कहलाएगा ठीक है ये वार्म ये और ये कोल्ड ओशन करंट ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये साइकिल जो है हर जगह बनेगी इसका एक एक्सेप्शन है कि एटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में तो इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर के नीचे दोनों जगह बन जाती है साइकिल बट एक एक्सेप्शन इसका कहा मिलता है इंडियन ओशन में क्योंकि इंडियन ओशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कनेक्टेड नहीं है पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ बैकवर्ड नीचे वाला जो साइकिल कंप्लीट होगा बट ऊपर वाला साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो अगर हम इसी को मैप पे आते हैं इस, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए तो पहला अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास अटलांटिक ओशन का मैप है अटलांटिक ओशन में पहले जो है इक्वेटर बना लेते हैं इक्वेटर कहीं कहीं यहाँ कहीं आस से गुजरता है ना इक्वाडोर ये इक्वाडोर है तो यहाँ से कहीं से यहाँ से लग कहीं लग से आसपास से गुजरेगा इक्वेटर ठीक है ये इक्वेटर हो गया <coughs> तो सेम कॉन्सेप्ट अच्छा मैं एक काम कर रहा कराऊँ कि रेड के, के लिए जो है रेड कलर यूज करूंगा ठीक है और गोल्ड के लिए जो है ब्लू कलर अच्छा ब्लू कलर अगर यहाँ पे यूज करें तो ब्लू कलर जो है इसी में ढक जाएगा पता नहीं चलेगा पर्पल ले लो हाँ पर्पल ले लेते हैं ठीक है गोल्ड के लिए जो है ये कलर रहेगा पर्पल कलर ठीक है तो हाँ तो पहला जो करंट है हमने देखा था इक्वेटोरियल करंट चलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो यहाँ से जो है ये चलना जनरेट होगा यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ठीक है सेम जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट ये नीचे जनरेट होगा ठीक है अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पहले ऊपर की साइकिल देख लेते हैं ठीक है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ पे आया तो ये इसके प्रेजेंस में जो है यहाँ पे दो हिस्सों में टूट गया ये ठीक है ठीक है दो हिस्सों में टूट गया तो जो ये वाला करंट ये जो फ्लोरिडा ये फ्लोरिडा है ना यहाँ पे आके इसको बोल दिया जाता है फ्लोरिडा करंट और फ्लोरिडा से निकलने के बाद जो है फिर ये दोनों आपस में यहाँ पे आके जुड़ गए ठीक है ये दोनों आपस में आके जुड़ गए जब तो इसको कहा जाएगा गल्फ स्ट्रीम बोला जाएगा यहाँ पे ठीक है दिस इज गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम। यहाँ पे आके जो होगा गल्फ स्ट्रीम बन गया ये तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया ठीक है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट इसको बाद में देखेंगे साइकिलिस्ट की ये जो है यहाँ पर दिस वन ब्लैक कलर से जहां पे मैं इस समय तो पॉइंट कर रहा हूँ जिस लाइन को वो जो फ्लोरिडा करंट हो गया ठीक है अब ये गल्फ स्ट्रीम जब बना गल्फ स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे चलते 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 गल्फ स्ट्रीम कहाँ से जाके मिलेगा अः अगर हमको याद हो कि यहाँ पे वेस्ट इंडलीज का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वेस्ट इंडलीज के इन्फ्लुएंस में जो है ना ये चलते 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 यहाँ से कहीं यहाँ तक चला जाएगा ये जिसे वेस्ट वर्ंडस्ट वर्ल्ड वो कहते हैं ठीक है वेस्ट वेस्ट इंडलीस के प्रेजेंस में नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है इसको तो यही है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट ठीक है और ऊपर से क्या होता है एक और ओशन करंट गुजर रहा होता है यहाँ से जो है इस जगह से ये जो पर्पल कलर में देखा ये, ये लैब्राडोर करंट है ठीक है लैब्राडोर सी लेड़ार से आता है लैब्राडोर करंट ठीक है ये और ये जहां पे आके मिलते हैं ये कहीं मैं एग्जैक्ट पोजीशन जो है नहीं बन पा रही है लेकिन जहां पे कहीं इस जग, इस जगह पे कहीं पे आके जो है ये वार्म और कोल्ड करंट जहां पे मिलते हैं दैट प्लेस जो है वो फिशिंग जोन अच्छा ऐसे दुनिया में करीब दो या तीन फिशिंग जोन है बहुत बेहतरीन फिशिंग जोन है जहाँ पे ऐसे कोल्ड और और वार्म ओशन करंट मिलता है तो ये बहुत अच्छा फिशिंग जोन बनता है तो ये जो है कहां बनता है बनता फिशिंग जोन ये कनाडा और यूएसए के के साइड में बनता है फिशिंग जोन तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन है ठीक है अब जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के उसमें जो वेस्ट इंडीज के इन्फ्लुएंस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो गया ना ये ये वार्म करंट को लेके गया है यहाँ पे कहाँ पे यूके के पास और ये

और नॉर्वेन करंट नहीं जा रहा होता ठीक है तो एरिया ये जो है परमानेंटली बर्फ में जम चुके होते कभी जो है इनमें मूवमेंट नहीं होती बट हम जानते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार होता है यहाँ पे इंग्लैंड और नॉर्वे का एरिया जो है वो यहाँ पे वार्म पोर्ट भी पाए जाते हैं तो अच्छा खासा व्यापार होता है उसका रीजन जो है वो यही है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और आगे जाके जो नॉर्वेन करंट यहाँ पे नॉर्वेन करंट बन जाता है वो वो इम्पोर्टेंट है ठीक है अच्छा इसका जो है नोट जो है वो वो भी है दिखा दूंगा करंट नॉर्वे रीजन है इसलिए बोला जाता है है अब जो क्या होता यहाँ से जो है ये जो वे, वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो था ना इसके दो ऑफ शूट निकलेंगे ठीक है एक ऑफ शूट तो ऊपर चला गया नॉर्वे करंट ठीक है दूसरा ऑफ शूट जो है वो यहाँ यहाँ आ जाएगा वापस इस जगह पे ठीक है और ये इसको हाँ इसको क्या बोला जाता है इसको कैनरी करंट बोला जाता है यहाँ पे कैनरी करंट ठीक है अच्छा अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ऊपर जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट उसको जो है वो वार्म है लेकिन यहाँ पे नीचे इक्वेटर की तरफ आने पे ये कोल्ड कैसे हो गया तो इसका आंसर ये है कि कि ये वार्म और कोल्ड जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं हम किसी के पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोल रहे हैं जैसे ये वार्म करंट जो है वो वहां के पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म है जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर वहां का टेम्परेचर अगर माइनस डिग्री सेल्सियस है ठीक है तो वहां पे टेन डिग्री सेल्सियस का कोई ओशन करंट जाएगा तो वो वार्म करंट कहलाएगा लेकिन इक्वेटर के पास अगर मान लो कि तापमान जो है तुम्हारा थर्टी डिग्री सेल्सियस है ठीक है तो यहाँ पे पंद्रह डिग्री दस डिग्री पंद्रह डिग्री का कोई करंट आएगा तो वो कोल्ड ओशन करंट कहलाएगा ठीक है एक कंपेरेटिवली कोल्ड ओशन करंट है मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से कोल्ड और वार्म डिसाइड होता है तो कैनरी करंट है कैनरी करंट जो है और कोल्ड वोशन करंट की खासियत क्या होती है कि ये जो है यहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होता है हाई प्रेशर जोन बनता है सब्सिडेंस होता है एयर का इसलिए इसके आसपास जो है क्या आपसे जाएंगे डेजर्ट पाए जाएंगे इसलिए देखो कि सारा डेजर्ट जो है यहाँ पे सारा रेगिस्तान पाया जाता है इसके इर्द गिर्द ठीक है तो ये एक साइकिल होगी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की फिर अब साउथ अटलांटिक ओशन में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं ठीक है अच्छा ये लेबोरेटर करंट जहाँ पे मिलता है ना यहीं पे जो है वो अपना ये टाइटेनिक था ना वो यहीं सिंक हुआ था इसी के आसपास जो है ठीक है ये लेबोर करंट की वजह से ही हुआ था तो ये भी इम्पोर्टेंट जानना ठीक है और ये जो जहाँ पे आके मिल रहा है ना लेबर करंट और ये गल्फ स्ट्रीम इसको बोला जाता है न्यू फाउंड लैंड बोला जाता है इसको ठीक है तो ये फिशरीज में बहुत रिच होती है फॉग जनरेट होता है ठीक है फॉग uh, जनरेट होने की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है विजिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से जो है जो है शिप्स की मूवमेंट में जो है नेविगेशन में, में प्रॉब्लम आती है तो ये एक इंपॉर्टेंट है फिर आता है साउथ इकोट्रोल करंट पे अब देखते हैं साउथ इकोट्रोल करंट जो है यहाँ से अब जब बढ़ रहा है तो यहाँ से टकरा के फिर ये एक करूट जो है इसका नीचे चला जाएगा ठीक है इसी ऑफ शूट को बोला था current, ब्राजील 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 तो ब्राजीलियन करंट ठीक है और अगर हम से ना, तो एक जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है कि जो उसके पास देखें अगर हम लोग इसको पोलर वॉल्टेक्स से अगर रिलेट करके अगर आप देख पाए पोलर वॉल्टेक्स से तो जो साउथ अमेरिका के जस्ट साउथ में है और एटला जो एंटार्कटिक है एंटार्क्टिका उसके जो ठीक नॉर्थ में है उनके बीच में कोई लैंड मार्क्स नहीं मिलेगा तो एक पूरे ग्लोब पे ना एक पूरा सर्कल चल रहा होता है जिसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोला जाता है ये एक कोल्ड ओशन तो करंट होता है ना ये पूरे उस उसपे ग्लोब पे सर्कल लगा रहा होता है अब तो क्योंकि ये मैप हमारा 2D है इसलिए जो है वो सर्कल नहीं दिख रहा है बट अगर इसको 3D में इमेजिन करो तो ये पूरे ग्लोब पे जो है वो एक सर्कल में घूम रहा होता है

करंट होता है जिसे बोला जाता है आपका फोकलैंड करंट ठीक है फॉकलैंड करंट अब यहां से जो है ये वापस आके ये हो गया फॉकलैंड करंट बन गया अब फिर एक ऑफ शूट का यहां से निकलता है ठीक इस जगह पे जिसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट नाम है बेंगुला करंट ठीक है करंट ठीक है ये बैंगुल करंट है अब देखो बेंगुला करंट जो है फिर जो है वो, वो है क्या नाम है ठंडी करंट है ठीक है

सिंकिंग एंटीसाइक्लोनिक हाँ उसको तो कंडीशन तो है, है वहाँ पे एयर सिंक होता है इसलिए कम होती है अर्जेंटी में, में पाया जाता है। है। एक और होता है, यहाँ पे डेजर्ट, बट वो वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, उसको जो पैसे डील करेंगे तब उसमें देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा ये साइकिल भी कंप्लीट होगी यहाँ पे एक चीज और रह गई है काउंटर इक्वटोरियल करेंट काउंटर इक्वटोरियल करेंट यहाँ से जो है वापस मुड़के जाता है वहाँ पर ये इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर इक्विटोरियल करंट तो ये एक इम्पोर्टेंट है जानना तो इसी के साथ हमने नॉर्थ करंट भी बोलते हैं किसको तो ने गिनी को गिन्नी हाँ, गिन्नी करेंट, करेंट अफ्रीका के आसपास वाले एरिया में, यहां पे ना एक कुछ गोला सान ऐसा है ना अफ्रीका वाले का मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुड़स जाता है यहाँ पे आके इसलिए करेंट है इसको काउंटर एक चलो ये भी है गिनी

ठीक है ऐसा ना हो ठीक एक रफ लाइन है मतलब बेसिकली समझने के लिए ठीक है अगेन फिर हाँ मैं वही वर्टिकल लाइन अगेन मैं वही यूज करूंगा वार्म मोशन करंट के लिए रेड और फिर अच्छा यहाँ तो पर्पल हो ही गया है तो यहाँ पे दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा यहाँ कौन सा कलर यूज किया जाए यहाँ ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं क्योंकि ये पर्पल है पर्पल पता नहीं चलेगा यहाँ पे ठीक है कोल्ड के लिए जो है ये ग्रीन कलर ठीक है तो फिर यहाँ से फिर वही सेम साइकिल बननी शुरू होगी एक जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जाएगा ठीक एक साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे सा, नीचे से आएगा ठीक है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट एक, तो, एक चीज और ध्यान रखनी है हमको कि जो वो वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रहा है ना वो पूरे ग्लोब पे चल रहा है यहाँ पे ठीक है ये जो नीचे वाला, वाला है पूरे ग्लोब पे जो है घूम रहा है वो तो इसको ध्यान रखना है इसी ने यहाँ पे जो है का 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 इस जगह पे नहीं फॉकलैंड करंट करंट दिया दिया था का दिया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है अब जब ये ये करंट यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब गया यहाँ से ठीक है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ से इसकी पोजिशन से यहाँ से मुड़ेगा ठीक है तो ये कौन सा करंट कहलाता है ये क्रोशियो क्रोशियो करंट कहलाता है क्रोशियो या ओशियो

एक ऊपर से एक और कोल्ड ओशन करंट आती है जिसको बोला था ओयोशियो करंटियो ठीक है अच्छा हमने एक एक चीज देखी थी कि जहां पे जो है वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं इस जगह के आसपास कहीं मिलेंगे यहाँ पर वहां पे एक बहुत बेहतरीन फिशिंग जोन होगा रिच इन फिशरीज होगा ठीक है एक ये इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है उसके बाद क्या होता है कि आ, ये जब यहाँ पहुंचा ठीक है ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट तो यहाँ पे देखें अलास्का है तो अलास्का के पास ना कुछ इस प्रकार का ये ये बना लेगा ठीक है कुछ इस प्रकार का घूम जाएगा इसको अलास्का तो तो करंट बोल दिया के पास करंट कुछ ज्यादा से, से नीचे आ रहा है जब ना ये ये यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो ये वो हो गया कोल्ड ओशन करंट हो गया ये ठीक है और यहाँ पे कैलिफोर्निया तो ये कैलिफोर्निया करंट इसको बोल दिया है कैलिफोर्निया करंट अब ये अगेन कोल्ड ओशन करंट है तो देखेंगे कि इसके आसपास जो है यहाँ पे डेजर्ट पाए जाएंगे जो कैलिफोर्निया के डेजर्ट है वगैरह ये सब यहाँ पाए जाते हैं इस वाले एरिया में वेस्ट वाले रीजन में ठीक है एक ही इंपॉर्टेंट है इसका ये साइकिल कम्प्लीट हो गया फिर जब साउथ में आते हैं ये साउथ पैसिफिक ओशन में तो ये जब इसका एक ऑफ शूट जाता है यहाँ पे जो होता है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जिसका नाम है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ठीक है फिर जो है इसका एक ऑफ शूट मिलता है यहाँ से अच्छा ये जो है ना ये वाला जो करंट है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो लगातार बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है और ये आके इसी में जो है साइकिल कंप्लीट हो रही है इसकी यहां से एक मिलता है इसका इस डायरेक्शन में ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है इसका नाम है हमबोल्ट करंट या एक और नाम है पेरुवियन करंट ठीक है पेरू या हमबोल्ट ठीक है पेरू या हमबोल्ट इसका इंपॉर्टेंस ह

तो अब करंट की वैसे कुछ खा, खास इंपॉर्टेंस अच्छा जहां पे कोल्ड करंट भी होता है ना कोल्ड करंट ठीक है कोल्ड करंट का मतलब क्या है कि वहां से गर्म पानी जो है वो विंड के आ, उसमें हाँ हा, निकल रहा है तो उसको फिल करने के लिए नीचे से अप वेलिंग होती है वो ठीक है जैसे अपवेलिंग होती है तो वहां पे इसके पास पास जो है ना वो वहां भी अपवेलिंग जोन बनते हैं और जहां अपवेलिंग जोन बनेंगे ना वहां पे जो है फिशरीज में रिच होगा क्यों क्योंकि अपवेलिंग की वजह से बेस्ट होंगे मिनरल्स आएंगी और मिनरल्स आने की वजह से जो है वो फिश जो है वहां पे अट्रैक्ट होकर आती है तो ये इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है तो अब जो है इंडियन ओशन के कुछ करेंट देख लेते हैं इंडियन ओशन में कुछ करंट हैं जैसे

हाँ कोई नहीं वो तो एक रफ आईडिया लेना था क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है इसमें ये कहीं यहाँ कहीं से बहेगा ठीक है हो गई थी अब जो है अब देखते हैं इसको हम्म यहाँ से बहेगा एक साउथ इक्वेटोरियल करंट ठीक है अब ये जो है ऑफ इसका जो है टूट के दो हिस्सों में हो जाएगा ठीक है एक चला जाएगा इस तरफ ठीक है एक आ जाएगा इस तरफ ठीक है फिर ये यहाँ पे आके वापस मिलते हैं ठीक अब जो इस तरफ गया थी. है ठीक है अब ये हम जानते हैं कि ये मेडागाकर है मेडागास्कर के साथ इधर जो है मोजाम्बिक देश है तो जो ये वाला करंट है ना ये मोजाम्बिक करंट ठीक है ये कहा है मोजाम्बिक करंट ठीक है और जो ये वाला करंट है इस साइड वाला ठीक है ये जो है ये है कन्वर्जेंस जब ये वापस आके जब मिलता है ना यहाँ पे तो ये अगुल हास करंट बोल दिया जाता है इसको

ठीक है तो ये एक वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है ये एक इंपॉर्टेंट है वी आर रनिंग विद टाइम वी कैन वी हैव टू हरी तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है यहाँ पे तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो है वो कोल्ड करंट है कोल्ड करंट होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कैसी कंडीशन बनेगी एंटीसाइक्लोनिक तो कंडीशन बनेगी यहाँ पे जो है एयर जो है वो डिसेंड करेगा इसकी वजह से क्या होगा पे बारिश जो है वो बारिश कम होगी तो रेगिस्तान वगैरह पाए जाएंगे जैसे हम जानते हैं कि पे बहुत सारे रेगिस्तान है ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ग्रेट ये देजर्ट, वो देजर्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जानना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अब जो है एक नॉर्थ इंडियन ओशन का करंट बच गया है नॉर्थ इंडियन ओशन करंट में जो है मॉनसून के टाइम मॉनसून के टाइम क्या होता है कि ये जो है जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो मॉनसून विंड के चपेट में आके कुछ इस प्रकार मूवमेंट होने लगता है इसका ठीक है और इस डायरेक्शन में भी यहाँ भी कुछ इस प्रकार का मूवमेंट होने लगेगा ठीक है तो ये जो है साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट कराता है और फिर जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ठीक है मानसून में जो है जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है वहां पे तो क्लॉकवाइज मूव करेगा लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ना एक तो 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 हाँ, तो करके कर कुछ ऐसा मूवमेंट तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि पूरे साल सेम तरह का करंट नहीं मूव करता है आ, साल भर में जो है वो चेंज होता रहता है डायरेक्शन तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जानना रिवर्सल होता है सीजनल रिवर्सल बोला जाता है इसको तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे इसको जाता है एक साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट एक बोला जाता है नॉर्थ

तो ये सारा हमने कवर किया क्या कि ओशन करंट जो है वो कैसे कैसे मूव करते हैं क्या नाम है उनका कौन से वार्म करंट है कौन से ओशन कौन से कोल्ड करंट है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है तो सबसे मेजर जो इफेक्ट है ना वो फिशिंग पे ही फिशिंग में पड़ता है ठीक है वैसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जोन में क्या होता है वार्म और कोल्ड ओशन करंट जहां मिलते हैं वो न्यूट्रंट एक्कूमलेट होता है उस जगह पे ये एरिया जो है फिशरीज में रिच होता है कोल्ड अपवेलिंग करंट जहां पे होता है वेस्टर्न मार्जिन पे वो भी न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है नीचे से वो भी फिशरीज को सपोर्ट करता है ऑफ फिशिंग वहां पे भी रहती है हाँ, फिर वार्म करंट जो है ना वो सी का वाटर को फ्रीज होने से बचाता है इसलिए जो है ओवी फिश प्रोडक्शन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है जो हाई लैटिट्यूड एरियाज में होते हैं जैसे यूके का कोस्ट हो गया और यूके में शायद डैगर बैंक करके एक कोई जगह है वहां पे नॉर्वे रीजन हो गया तो एक ये है साथ में जो है ये अच्छा बोस्टन टी पार्टी सुना ना वर्ल्ड हिस्ट्री में तो वो भी गल्फ इंग्लैंड से, हाँ। तो से, से आ रही थी ठीक है? उसको जो है लोगों चाय बन गई थी जस्ट जो <laughs> तो, बोल दिया था, था उसको बॉस्टन टी पार्टी तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसका ये इम्पोर्टेंट है अच्छा जहाँ पे वार्म मोशन करंट जाएगा वहां पे क्या होगा वो वेपोरेशन को हेल्प करेगा क्या होगा बारिश होती है वहां पे रेगिस्तान नहीं पाए जाएंगे लेकिन कोल्ड ओशन करेंट जो है एंटीसाइक्लोनिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा जैसे मतलब एयर डिसेंड होने लगेगा तो उससे जो है वहां पे रेगिस्तान पाए जाएंगे तो कौन कौन से मेजर रेगिस्तान है वो सब देखे हमने तो इसी के साथ ये ये चैप्टर चैप्टर खत्म होता है अगले लेक्चर में जो है हम लोग सी वेव्स देखेंगे सी वेव्स के बाद जो है बायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे तब तक के लिए वी विल मीट अगेन टिल देन सी यू सून थैंक यू